हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निखिल और मैं आज फिर से आप सभी लोग बीच एक वीडियो के साथ आया हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नई जॉब वैकेंसी के बारे में। तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंप्लीट देखना है बिना स्किप किए हुए, और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं हमारे स्टीडीपी चैनल में। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं आज के वैकेंसी के बारे में। तो ये जो है वैकेंसी असम सरकार के द्वारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे निकाली गई है, और इसमें पोस्टिंग की बात करूं तो आपका जो इसमें पोस्टिंग होगा वो क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ में पोस्टिंग होगा। और मैं आगे नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा क्लास थर्ड और फोर्थ में क्या क्या काम आते हैं, किस पे आपका बहाली होगा, इन सभी चीज को हम लोग फुल डिटेल में आगे नोटिफिकेशन में जानेंगे। और साथ ही साथ मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो अगर आपने 8th, 10th, 12th ग्रेजुएशन ये सभी चीज किया है तो आप लोग इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बहुत अच्छी खासी है, और जॉब भी बहुत अच्छा जॉब है। तो आप लोगों को जरूर से जरूर एक बार वीडियो को कम्प्लीट देखना है और समझ में आए तब आपको अप्लाई करना है। लेकिन मेरा मानना है जॉब बहुत अच्छा है, असम सरकार के द्वारा पहली बार मैंने देखा है कि इतना नंबर ऑफ वैकेंसी निकाला गया है, तो जो कि बहुत कम स्टेट वाले इतना जॉब का वैकेंसी निकालते हैं। तो चलिए हम लोग अब नोटिफिकेशन के माध्यम से जानते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, कैसे अप्लाई करना है, बिल्कुल भी मैं इजी स्टेप में आप लोगों को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ मैं पीडीएफ का लिंक एवं अप्लाई का जो लिंक होगा वो भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट वहां से डाउनलोड एवं अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अब चलिए हम लोग नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है, और जो कि यहाँ पे असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कमीशन फॉर एनालॉगस के द्वारा निकाला गया है, जो कि मैंने आपको पोस्ट के बारे में बताया था क्लास थर्ड एवं फोर्थ में आपका पोस्ट होने वाला है यहाँ पे। तो आगे मैं क्लास थर्ड और फोर्थ में क्या क्या पोस्ट आते हैं तो वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो जैसे ही यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे कैटेगरी फर्स्ट में जो है अकाउंटेंट है, कैशियर, यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट, एलडीए, स्टोनोग्राफर, ये सब आप अपना पढ़ लेना। इन लोगों के लिए कैटेगरी वन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म को इन्वाइट किया गया है। तो दोस्तों मैं मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसमें जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, अगर आपने बीटेक किया है और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नेसेसरी इन्होंने किया है। और साथ ही साथ वैसे कैंडिडेट जिनका डिप्लोमा फाइनल हो चुका है, जिनका डिग्री 6 महीना से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ये। और वो कोई जो आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है अच्छे से। तो ये है, और जिनका बैचलर डिग्री है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हो इसमें। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था नंबर ऑफ सीट जो है बहुत अच्छी खासी है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की मैं बात करूं तो 8331 सीट जो है इन सारे पोस्ट के लिए निकाले गए हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कैटेगोरी सेकेंड में जो यहाँ पे पोस्ट की मैं बात करूं तो फील्ड असिस्टेंट, फील्ड मैन, फोरमैन, सेक्शन असिस्टेंट, ये सब आप अपना पूरा पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि ये कैटेगोरी सेकेंड के अंदर आता है। और साथ ही साथ मैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका जो इसमें 12th कंप्लीट है तो आप इसमें बिल्कुल भी एलिजिबल हो। और 12th में यहाँ पे कंपलसरी किया गया है, अगर आपका साइंस हो तो ही आप इसमें एलिजिबल हो। तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन इस चीज में कैटेगोरी सेकेंड में आपका साइंस होना चाहिए, अगर साइंस से आपने 12th किया है तो आप इसमें बिल्कुल भी इसमें एलिजिबल हो, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो। और इसमें नंबर ऑफ सीट की मैं बात करूं तो 3690 जो है यहाँ पे सीट निकाली गई है, तो इसमें भी अच्छी खासी सीट निकाली गई है। फिर हम लोग थर्ड कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं तो थर्ड, तो यहाँ पे थर्ड कैटेगरी में ड्राइवर का जो पोस्ट निकाला गया है, ड्राइवर के पोस्ट में आपका ओनली 12th रहना चाहिए, इसमें आपका कंपलसरी नहीं किया गया है कि आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, इसमें कंपलसरी नहीं है। तो अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से 12th किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की मैं बात करूं तो 1120 यहाँ पे टोटल सीट निकाली गई है, तो आई थिंक असम सरकार के द्वारा जो है थोड़ा अच्छी खासी सीट निकाली गई है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चलिए दोस्तों मैं एज की बात करूं तो यहाँ पे एज जो है आपका 18 साल होना चाहिए, और
40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है। फिर मैं साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो 1/1/2022 से आपका जो यहाँ पे एज होना चाहिए 5 साल जो है यहाँ पे SC/ST वालों के लिए दिया गया है, 3 साल OBC वालों के लिए दिया गया है, 2 साल यहाँ पे एक सर्विसेज में और 10 साल PWD वालों के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन रखा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे एज होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार, आपका 12th के सर्टिफिकेट के अनुसार, एडमिट कार्ड के द्वारा, ये सब के द्वारा आपका आपका एज मिलाया जाएगा। तो ये आप अपने से देख लेना। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करना है, यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए, यही 2 चीज आपका डॉक्यूमेंट में लगने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी की मैं बात करूं तो जो लोग भी जनरल कैटेगोरी OBC EBC सबसे आते हो तो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे एप्लीकेशन फी रखा गया है 350 रुपया रखा गया है, और जो लोग भी SC ST PWD ये सबसे आते हो तो उन लोगों के लिए 250 रुपया यहाँ पे मिनिमम फी रखा गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जो भी आपका यहाँ पे फी लगने वाला है वो ऑनलाइन पेमेंट लगने वाला है। फिर मैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर की मैं बात करूं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन के माध्यम से होगा, इसमें ऑफलाइन माध्यम नहीं होगा, जो कि मैं इसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोगों को सिंपल सा जाके वहां से अप्लाई करना है। और यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट भी दे दिया है तो यहाँ पे आप लोगों को इसी वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका फॉर्म जो फिलअप शुरू हो चुका है 11 अप्रैल से शुरू हो चुका है ये, और इसका लास्ट डेट जो है यहाँ पे 30 मई तक रखा गया है। तो अभी इसमें डेट है, अच्छी खासी डेट है, तो आप लोगों को अच्छे से नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है और इसमें अप्लाई जरूर से जरूर करना ही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये सभी चीज आपको अपने से जो भी चीज यहाँ पे दिया गया है ये सभी चीज को आपको टर्म एंड कंडीशन दिया गया है ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो ये क्लास 3 का हम लोगों का नोटिफिकेशन का PDF था, अब हम लोग क्लास 4 का नोटिफिकेशन का PDF अभी देखेंगे। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं क्लास 4 का PDF नोटिफिकेशन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे हम लोग आ चुके हैं अपने क्लास 4 के नोटिफिकेशन को, तो चलिए हम लोग इसको भी जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो ये भी जो है असम सरकार के द्वारा निकाला गया है और ये जो है आपका क्लास 4 का यहाँ पे देख सकते हो कि क्लास 4 का यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है जो कि गुवाहाटी सेक्टर के अंदर आता है, और इसका एडवर्टाइजमेंट जो है 25/3 को ही आ चुका था, लेकिन इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो शुरू हुआ है 11 तारीख से शुरू हुआ है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप ये सब आपको अपने से पढ़ लेना है जो भी है। यहाँ पे देख सकते हो कि सरकार के द्वारा 13,300 टेंडेटिव वैकेंट यहाँ पे क्लास 4 के लिए निकाला गया है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है अगर आपने 8th क्लास किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो, और मैक्सिमम आपका क्वालिफिकेशन इसमें क्लास 12th होना चाहिए, जो कि किसी भी सब्जेक्ट से आपने पास किया है तो आप इसमें भर सकते हो। और सेकेंड नंबर पे आता है अगर आपने 10th भी किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे देख सकते हो। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी की मैं बात करूं तो जो लोग भी 8th क्लास पास किए हो उन लोगों के लिए 8th क्लास पे अगर आप अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको 9,000 सीट मिलेगा, और जिनका भी 12th पे आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे 4,300 आपको सीट मिलने वाला है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसमें मैक्सिमम जो क्लास 4 के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है ओनली 12th रखा गया है, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत चल रहा है फैमिली में, अगर जॉब करना चाहते हो तो इस जॉब में जरूर से जरूर अप्लाई कर सकते हो, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं तो क्लास 4 का यहाँ पे एज की मैं बात करूं तो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए आपका और 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि क्लास 3 का भी सेम कंडीशन यही रखा गया है 1/1/2022 तक होना चाहिए। इसमें भी आपका जो एज रिलैक्सेशन रखा गया है क्लास 3 के बराबर ही रखा गया है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे फिर से यहाँ पे कंडीशन रखा गया कि जो भी आपका एज लिमिट होगा वो आपके डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा, जो कि यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो ये आप अपने से पढ़ लेना है। तो इसका भी नोटिफिकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ लेना। फिर मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो क्लास 3 में जैसा कि आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए था, फिर स्कैंड सिग्नेचर आपको चाहिए था, तो यहाँ पे सेम इसमें भी वही चीज मांगा गया है। फिर मैं एप्लीकेशन फी की यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे एप्लीकेशन फी जो है क्लास 3 वालों से
थोड़ा सा कम रखा गया है। जो लोग भी जनरल ओबीसी ईबीसी सबसे आते हो तो उन लोगों के लिए 200 रुपया यहाँ पे लगने वाला है, और जो लोग भी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ये सबसे आते हो तो उन लोगों के लिए 150 रुपया यहाँ पे लगने वाला है। और जो भी आपका चार्ज कटेगा वो ऑनलाइन थ्रू कटेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन जो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन किस माध्यम से करना है तो यहाँ पे देख सकते हो। जो भी जैसे मैंने आपको क्लास थर्ड के लिए अप्लाई करने के लिए बताया, सेम उसी तरह क्लास फोर को भी अप्लाई करना है। क्लास फोर का भी मैं अप्लाई का जो लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को मैंने नोटिफिकेशन के माध्यम से जो भी पीडीएफ में बताया है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो या ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, अगर हमारे एसटीडीपी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटे को भी दबा लो ताकि आपको नई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड सभी वीडियो के अपडेट आपके मोबाइल पे जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों साथ ही साथ अगर आपने टीडीपी के सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया है तो उसको जरूर जाके फॉलो कर लो। और हमारे इस चैनल पे कैड का सीरीज चलाया जाता है, अगर आप उसका भी वीडियो देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन के सेक्शन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, आप सिंपली जाके देख सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाना चाहते हैं, स्वस्थ रहें अपने और अपने परिवार का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।